हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए खासकर आलू बंडी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे लगेंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीड चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत के लिए चटपटे क्रिस्पी आलू बुंडे बनाना। आलू बुंडे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आलू को बॉईल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू लिया है, इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। ये जो आलू बुंडे हैं ना, बनते बहुत सिंपल तरीके से, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने फीडबैक देना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो हम गैस के ऊपर पैन रख देंगे और इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें खूब ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो स्टफिंग के लिए जो भी हम मसाले रेडी करते हैं तो उसमें ऑयल खूब ज़्यादा नहीं डालना है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है 5 से 6 बारीक कटी हुई, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अदरक मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है। अगर आप व्रत में अदरक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रख के मसालों को भूनना है। मैंने यहाँ पे अदरक और मिर्ची का बस कच्चापन दूर किया है बस, और इसी समय पे मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया है। जीरा को मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है फ्रेंड्स। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, इसको डालना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, इससे जो फ्लेवर आएगा ना आलू बुंडे में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, बहुत ही परफेक्ट मात्रा में हुआ है। तो ये जो मसाले हैं अच्छी तरीके से मिल चुके हैं, और गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब हमें ये मैश किए हुए आलू को डाल देना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और करीब 5 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक कि आलू का जो मॉइस्चर है निकल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जब ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद में इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। गरम गरम में धनिया पत्ती डालने से एक्चुअली होता क्या है कि ये पक जाता है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए इसको ठंडा होने के बाद ही आप धनिया पत्ती डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आलू बुंडे में। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ पे बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगाड़े का आटा 1 कप लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिंगाड़े का आटा का बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया शानदार बनेंगे, एकदम बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये जो बैटर मैं रेडी कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इसको फॉलो करते जाइएगा। काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून लिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर ग्रेटेड किया हुआ ले रही हूँ, खूब ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आएगा। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम व्रत में लेते हैं, और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वान्टिटी हमें खूब ज़्यादा नहीं रखना है, 1/4 स्पून के करीब मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। इसको डालने से एक्चुअली क्या है कि थोड़े से आलू बुंडे जो हैं अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम मिक्स कर देते हैं। और अभी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स बचा है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बैटर रेडी कर रही हूँ इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर आप आगे बढ़ा के देख लेंगे ना तो आपके कोई भी इंग्रेडिएंट्स छूट सकते हैं और आपके जो आलू बुंडे हैं इतने अच्छे क्रिस्प नहीं बन पाएंगे, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुदाने का पाउडर। इसे आप मिक्सी में घुमा लीजिएगा और इस तरह से फाइन पाउडर बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि व्रत में हमेशा काम आते ही रहते हैं। तो इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सभी चीज़ों को डालने से आपके जो आलू बंडे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा देर तक 1.5 घंटे तक आपके आलू बंडे एकदम क्रिस्पी बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है आलू बंडे का बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम आलू बंडे की छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप रात में भी इस तरह से रेडी करके रख सकते हैं फ्रिज में, और सुबह आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी सिंपल तरीका है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है ऑफिस जाने वालों को, तो आप इस तरह से बना करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बॉल्स बनाई हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटर ले लेते हैं, स्पून के ऊपर मैंने यहाँ रख दिया है।
इस तरह से ऊपर बैटर डाल लीजिएगा। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम स्पून से ही डालें, हाथ से भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और ऑयल को गर्म होने रख दिया है। तो चलते हैं यहाँ पर। तो तेल जो है हमारा बहुत ही परफेक्ट गर्म हो चुका है। इस तरह का तेल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एकदम तेज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे फटाफट से हम दो तीन डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे हमें अच्छे से तलना है। जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक हम इसे तल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 5-6 भी डाल सकते हैं, मैं एक और यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक और डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू बुंडे का कलर बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है। अगर आपने एक बार बना लिया ना तो इसको बार बार आप व्रत में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये आलू बुंडे, हम जो व्रत के लिए बनाते हैं सिंगाड़े के आटे के, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे लोग इसे खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आलू बुंडे हैं हमारे अच्छे क्रिस्पी होते तक हमने तला है इसे। इस तरह से अगर आप तलना चाहते हैं तो इस तरह से तलिएगा, या फिर थोड़ा सा जल्दी भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ी देर रखेंगे इस तरह से तो जो भी ऑयल है इसका निकल जाएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही क्रिस्पी आलू बुंडे बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे सभी आलू बुंडे को डाल देंगे। मैं यहाँ पे हाथ से डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो आलू बुंडे हमने बनाया है इसको आप चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसके पहले मैंने यहाँ पे पकौड़े का वीडियो डाला है आलू के व्रत के, उसके साथ में मैंने चटनी की रेसिपी बताई है फ्रेंड्स। तो उस तरह से अगर आप चटनी बनाते हैं आलू बुंडे के लिए तो बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही बढ़िया बैठता है। तो मैं यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं एकदम से, और देखने में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है आलू बुंडे का। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।